नई JIT की तहकीकात तेज, केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। शहबाज शरीफ को भी आइंदा हफ्ते JIT के सामने पेश किए जाने का इम्कान। FIR में शामिल पुलिस एहलकारों के बयान कलम बंद। सानहे मॉडल टाउन की तस्वीर और वीडियो बनाने वाले 9 अफराद का बयान भी रिकॉर्ड। नैब पर पहले ही बड़े इल्जाम लग रहे हैं, अब नैब बेंच भी अपनी मर्जी से बनवाएगा। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर नैब का एतराज मुस्तरद। नैब ने मौजूदा बेंच तब्दील करने की इस्तदा की थी। केस की समाअत जस्टिस शहजाद मलिक पर मुश्तमिल बेंच ही करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सरदार शमीम खान ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने शहबाज की दरखास्त जमानत के खिलाफ दस्तावेजात जमा करा दी। रमजान शुगर मिल्स केस में दलाइल के लिए वकला आज तलब। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को लंदन में मजीद 14 रोज कयाम की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक इरफान ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। बेटी को दिल का मसला, तनहा छोड़कर नहीं आ सकता। हमजा शहबाज ने अदालत से मजीद रुकने की इजाजत मांगी थी। हमजा शहबाज को पंजाब में चेयरमैन PAC बनाने का हतमी फैसला। वजीर कानून बशारत राजा कहते हैं, विफाक में हुकूमत और अपोजिशन तनाव का पंजाब में फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत अपोजिशन से तयशुदा मामलात पर अमल दरामद करवाएगी। वजीर आला और स्पीकर की वापसी पर असम्बली इजलास बुलाया जाएगा। PIC के चेयरमैन का चुनाव इलेक्शन के जरिए होगा। इत्तेहादियों में एक और अहदो पैमा, काफ लीग और PTI का बल्दियाती इलेक्शन भी मिलकर लड़ने पर इत्तफाक। नईम उल हक और चौधरी शुजात की मुलाकात में फैसला हुआ। नैब में गिरफ्तार साबिक सीनियर वजीर अलीम खान का गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने अपनी लीगल टीम को हाईकोर्ट में केस दायर करने की हिदायत कर दी। अलीम खान ने नैब के साथ मुकम्मल तआवुन किया। गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लीगल टीम। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली ना आई। पंजाब असेंबली का ऐवान ब्यूरोक्रेसी के सामने बेबस। मंजूर होने वाली 18 करारदादें सर्द खाने की नजर। अमल दरामद ना हो सका, अरकान असेंबली में तशवीश की लहर। मामला स्पीकर के सामने उठाने का फैसला। शहर को साफ सुथरा बनाने और सकाफती वर्षा को बचाने का मंसूबा। मछली मंडी और रिम मार्केट को सगिया के मुकाम पर जगह देने का फैसला। मौजा गंज कलां और मौजा बेगम कोट में एराजी दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साले सईद कहती हैं, रिम मार्केट 50 केनाल, मछली मंडी को 20 केनाल सरकारी एराजी मिलेगी। मुंतकली में 1 से 1.5 साल लग सकता है। अंजुमन आड़तियाँ मछली मंडी फैसले पर खुश। मुंतकली के ऐलानात पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करवाने का मुतालिबा। गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम, DG रेस्क्यू 1122 रिजवान नसीर का खाता खुल गया। एंटी करप्शन ने चार्ज शीट कर दिया। मैट्रिक पास को ग्रेड 18 में कैसे भर्ती कर दिया, बगैर तजर्बे के कैसे लॉ ऑफिसर तैनात किया गया, 3 रोज में जवाब तलब। जामियात से असातिज़ा की बरतरफी का मामला। यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का सड़कों पर आने का ऐलान। डॉक्टर महबूब कहते हैं कि 19 फरवरी तक असातिज़ा को बहाल ना किया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। हुकूमत फौरी तौर पर जामियात में वाइस चांसलर की तुकरनिया करे। असातिज़ा के लिए कौमी पॉलिसी बनाई जाए। हुकूमत बदली, शहर की हालत ना बदली। टूटी सड़कें, अधूरे तरक्याती काम, आवाम के लिए अजियत का सामान। मॉल रोड के करीब मैकलेगन रोड टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक जैम मामूल, पैदल चलना महाल, कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर। नेपियर रोड पर भी खड्डे ही खड्डे। 8 माह बाद भी सड़क का तामीराती काम मुकम्मल ना हो सका। पंजाब कार्डियोलॉजी के सामने भी सड़क पर गढ़ा पड़ गया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरियों को मुश्किल का सामना। इस्लाम पार्क का इलाका भी जौहर का मंजर पेश करने लगा। गंदा पानी गलियों में दाखिल, रिहायशी बीमार होने लगे।
गार्डन टाउन में 7 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती का वाकया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की जिना अस्पताल आमद। मुतासिरा बच्ची की अयादत, अस्पताल इंतजामिया को मजीद बेहतर तिबी सहूलियात फराहमी की हिदायत। मुतासिरा खानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए भी हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी। गरीब को इलाज के लिए कार्ड मिलेगा। पंजाब में राजनपुर से सेहत कार्ड के इजरा का आगाज। वजीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद कहती हैं रवां साल 72 लाख सेहत कार्ड तकसीम किए जाएंगे। सेहत कार्ड से 3.5 करोड़ आबादी को फायदा होगा। कार्ड पर 7,20,000 रुपए इलाज की सहूलत होगी। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली का खतरा लाहक है। पानी का मसला भी दरपेश है। आने वाली नस्लों को और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वजीर मुमलिकत माहौलियात जरताज गुल का फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के हवाले से तकरीब से खिताब। कॉलेज में पौधा भी लगाया। हाई कोर्ट में आसमा जहांगीर की बरसी की तकरीब। जजेज और सीनियर वकला की जानिब से मरहूमा को भरपूर खिराज अकीदत पेश। जस्टिस अली बाकर नजफी कहते हैं आसमा जहांगीर को कभी नहीं भूल सकते। आज़ाद अदलिया के लिए उनकी खिदमात नाकाबले फरामोश हैं। मरहूमा की बेटी मुनज़्ज़े जहांगीर का भी इजहार ख्याल। बोली लोग पूछते हैं आसमा जहांगीर का खला कौन पुर करेगा। मेरी वालिदा ने हमेशा असूलों की जिद्दोजहद की और डटी रहीं। मोटिवेशनल स्पीकर शुवाना मुफ्ती का लम्स में लेक्चर। मुस्तकबिल के मुमारों की रहनुमाई। जज्बात को दिमाग पर हावी ना करने दें। सबसे अहम जहनी तनाव में जीना है। मुश्किल कुदरती होती है मगर उसे सर पर सवार ना करें। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को का उनवान। पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीरी मुकाबले। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा की शिरकत। साबिक गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल बोले मुआशरे में इंसानी हमदर्दी के मरबूत मंसूबों की ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट ने नौजवानों को मुल्क व कौम का असासा करार दिया। नुमाया पोजिशन हासिल करने वाले तलबा में इनाम तकसीम। और शेर पालने के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। सफारी जू इंतजामिया का शेर और टाइगर के बच्चों की नीलामी का फैसला। 6 माह के बच्चों को नीलाम किया जाएगा। नीलामी की तारीख का फैसला जू मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी के बाद होगा।